हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग अपने ओ लेवल के 21 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा ओ लेवल का लेक्चर नंबर 21 है, ओके, जिसमें हम लोग देखेंगे आज अपना नेक्स्ट ऑप्शन जो कि रहेगा मेल एंड मस्ट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारा, काफी यूज होने वाला ऑप्शन है। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस क्लास की वीडियो नहीं देखी है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधा हमारे चैनल पर आके प्लेलिस्ट में आके यहाँ इस तरह से प्लेलिस्ट पे आएंगे। प्लेलिस्ट पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारी इसकी ओ लेवल M1 की। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ओ लेवल M1 के कंप्लीट लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ से हमारी जो प्लेलिस्ट है सारी क्लासेस यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस तरह की पूरी चैनल की लिस्ट यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें से आप लोग जो भी वीडियो देखना चाहे वो वीडियो यहाँ से आप लोग देख के क्लास अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि आप लोगों को अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आज क्या है, मेल एंड मर्ज है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग ये कह सकते हैं, इससे घंटों का काम ना ये बिल्कुल मिनटों में कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले समझाता हूँ मेल मर्ज होता क्या है। तो जो मेल मर्ज होता है इसका जो हमारा यूज रहेगा, मान के चलिए कि आपको मल्टी एक ही लेटर को मल्टीपल टाइम्स लोगों को सेंड करना है, लेकिन बस कंडीशन ये है कि उस वो लेटर तो सभी के लिए सेम है, लेकिन उसमें जो पर्सन की डिटेल है वो क्या है, सबकी अलग अलग है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग मेल मर्ज यूज करेंगे। मतलब एक ही डॉक्यूमेंट को हमें मल्टीपल कॉपी सेंड करनी है, बट हम चाहते हैं कि हमें बार बार प्रिंट आउट से बार बार ना लेना पड़े प्रिंट आउट, और हम चाहते हैं कि एक ही बार में सारे लेटर हमारे बन जाए, तो उसके लिए हम लोग मेल मर्ज का यूज करते हैं। ओके, ऐसे आपको क्लियर नहीं होगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस ऑप्शन को मैं आपको एमएस वर्ड पे बताऊंगा, क्योंकि क्या है, कुछ लोगों की डिमांड आ रही है कि सर एमएस वर्ड पे इस ऑप्शन को बता दीजिए, कुछ ऑप्शन उस पर बता दीजिए। तो ये ऑप्शंस पहले मैं आपको एमएस वर्ड पे बता देता हूँ, और बाकी मैं आपको बताऊंगा लिब्रे ऑफिस राइटर पे आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, दोनों में ही सेम है। काफी टाइम से आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ रहे हैं तो आपने भी देखा होगा कि सब कुछ ऑप्शन थी, सारे ही ऑप्शन सेम है, बस ये हो गया कि यहाँ हमारे पास मेन्यू बार है और कुछ हमें ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, बस वहां पे हमें डायरेक्ट एमएस वर्ड में इस तरह से हमारे सामने ऑप्शन आ जाते हैं कि जस्ट हम क्लिक करेंगे और वो ऑप्शन हमारे यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, जो हमारा ये एमएस वर्ड ओपन हो गया, इस तरह से ऑप्शन है, बस वहां पे मेन्यू के अंदर है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। तो हम लोग मेल मर्ज इसी पर देख लेते हैं अपने एमएस वर्ड पे, बाकी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में यूज करने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पर, चैनल को अभी लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, इससे ज्यादा से ज्यादा लोग फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सके। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलिए, मैं मान के चलता हूँ कि एक मैंने माना है किस तरह से, जैसे आप लोग एक एग्जांपल लें, तो मैंने कहा कि मेरे जो स्टूडेंट्स है 500 स्टूडेंट्स है। ये देखिए 100 स्टूडेंट, 500 स्टूडेंट, कितने भी स्टूडेंट्स होंगे या कितने भी आपको कॉपीज निकालनी होंगी, सब पे ये ऑप्शन काम करेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पर एक लेटर का फॉर्मेट दिया, मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज इन्फॉर्म यू दैट। ठीक है, इस तरह से मैं एक लेटर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए एक लेटर ले रहा हूँ, इन्फॉर्म यू दैट द न्यू बैच ऑफ ओ लेवल, ठीक है, द न्यू बैच ऑफ ओ लेवल स्टार्टेड, एक तरह से क्या दे रहा हूं, मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, स्टार्टेड ऑन 15 दिसंबर 2022। ठीक है, मैंने ये जो अपने इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे ये सभी अपने स्टूडेंट को भेजना है। ठीक है, तो एक तो मेरा क्या है कि मैं क्या करूं, जैसे मैंने ये पूरा एक इन्फॉर्मेशन ये नोटिस दिया है, तो एक तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं क्या करूं, सभी का यहाँ पे टू के बाद सभी के नाम लिखता जाऊं, और इस तरह से मान के चलो ये मुझे भेजनी है अंकित को भेजनी है, तो मैंने अंकित शर्मा, ओके, ये मुझे भेजना है। उसके बाद मैंने कहा हो सकता है उनका पिन कोड वगैरह, या मैंने उनका एड्रेस दे दिया, मान के चलो मैंने उनका एड्रेस दे दिया सीपरी, ठीक है, सीपरी बाजार, इस तरह से एड्रेस दे दिया। तो एक तो मेरे पास ऑप्शन ये है, मैंने इस पेज पर लिखा है, इस पर मैं क्या करूं, प्रिंट पर आऊं, प्रिंट प्रीव्यू पे आके हम चेक कर सकते हो, प्रिंट मैं यहां से दे दूं तो प्रिंट आउट निकल आएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे हम लोग फिर से क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्शन में मुझे फिर से नेम चेंज करना पड़ेगा, फिर से प्रिंट देना पड़ेगा, फिर से नेम चेंज, फिर से प्रिंट देना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या है, मुझे बार बार नेम और उसकी पर्सनल डिटेल चेंज करनी पड़ रही है। ठीक है, तो एक तरह से क्या है, प्रॉब्लम है। तो इस तरह से काम करेंगे तो हमें टाइम भी लग जाएगा। ओके, तो मेल मर्ज ऑप्शन से हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपके सामने लेटर का फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट आपके लेटर का मैं वन टाइम बनाऊंगा, और इसको हम लोग कितनी भी बार भेज सकते हैं। ठीक है, मतलब एक लेटर की हम लोग कितनी भी कॉपीज निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा लेटर का फॉर्मेट दे देता हूं, मे बी मैंने यहाँ पे कलर कर दिया, ठीक है, इसको बोल्ड कर दिया, बोल्ड करने के बाद यहां मैंने इसमें रेड कलर कर दिया इस तरह से,
और लास्ट में मैंने लिख दिया है कुछ और नोटिस टाइप का, मतलब कहां से है ये, हमने बोला फ्रॉम ओ लेवल गुरुजी, ठीक है, जो नोटिस है ये है फ्रॉम ओ लेवल गुरुजी। और लास्ट में अगर मुझे डेट वगैरह भी देनी हो कि कब मैंने ये लेटर नोटिस दिया है, तो मैंने यहाँ पे दे दी है डेट, तो बिल्कुल फॉर्मेट हमारे सामने रहेगा, तो मैंने यहाँ दे दिया डेट। डेट के बाद मैंने ऐसे यहाँ पे डेट लिख दिया कि ये जो स्टार्ट है, मैंने इस नोटिस का स्टार्टिंग डेट दे दी है 5 दिसंबर 2022, ठीक है। अब यहाँ पे अगर उस पर्सन की या मेरे स्टूडेंट की डिटेल फिल हो जाएगी तो लेटर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा, वैसे अगर आप लोग देना चाहें तो ऊपर हेडिंग भी दे सकते हैं कि ये क्या है, एक नोटिस है, ठीक है। तो मैंने इसका हेडिंग दे दी है नोटिस, नोटिस, ओके, नोटिस हेडिंग दे दी है और सेंट, बाकी तो आप लोगों को पता ही है, इसी तरह से हम लोग उसमें भी यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस, सेम ऑप्शंस रहते हैं, ओके। सपोज मुझे इसको हाईलाइट करना है, हाईलाइट करने के लिए आपको पता है हाईलाइटर यूज होता है, तो मैंने इस पर हाईलाइटर लगा दिया, ठीक है, टेक्स्ट ही दिखेगा तो व्हाइट कलर कर दिया, ओके। अंडरलाइन लगाना है तो यू हो जाएगा, ओके। ये छोटा सा नोटिस तैयार हो गया। अब मैं चाह रहा हूं कि पेज के चारों तरफ बॉर्डर आ जाए, तो पेज लेआउट पे आके यहाँ पर पेज बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जो भी आपको बॉर्डर लेना है अपने अकॉर्डिंग, उस बॉर्डर को सिलेक्ट करके क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये फॉर्मेट तैयार हो गया, प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए, इस तरह से फॉर्मेट तैयार हो गया। बस यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट के डिटेल्स की कमी है, जैसे स्टूडेंट की हम लोग डिटेल फिल कर देंगे और हमारा लेटर पूरा बन के तैयार हो जाएगा, अगर एक स्टूडेंट के लिए। लेकिन हम लोग को क्या करना, अगर मैं एक को करना हो तो मैं अभी कर दूंगा, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, मल्टीपल्स, कैसे हम लोग मल्टीपल लेटर तैयार करेंगे एक ही लेटर से, ठीक है। तो वैसे मैंने यहाँ पे लिखी दिया, दिस इज इन्फॉर्म यू दैट द न्यू बैच ऑफ द ओ लेवल स्टार्टेड ऑन 15 दिसंबर 2020, छोटा सा नोटिस, ठीक है। कितना बड़ा नोटिस हो सकता है, लेटर हो सकता है, सब कुछ हम लोग इसमें कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखिए अब मेन काम स्टार्ट होता है, अभी तक मैंने यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यूज नहीं किया हुआ है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन का यूज करना है, ठीक है। तो जो हमें ऑप्शन का यूज करना है उसके लिए हम लोग आएंगे मेलिंग मेन्यू में, ठीक है। मेलिंग के अंदर आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना नहीं पड़ेगी, हम लोग को एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, ओके। तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आएंगे सिलेक्ट रिसिपिएंट और टाइप न्यू लिस्ट। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। इस ऑप्शन में आपको बहुत सारी फील्ड दिखेंगी, जैसे टाइटल हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, बहुत सारी फील्ड दिखेंगी। तो जो हमारे काम की होगी वो हम यूज करेंगे, जो नहीं होगी उनको हम हटा देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करना है। जैसे टाइटल का मुझे जरूरत नहीं है, मैंने हटा दिया, फर्स्ट नेम ले लेते हैं हम, लास्ट नेम ले लेते हैं, कंपनी नेम हमें नहीं चाहिए तो हम हटा देंगे। तो जो फील्ड नहीं चाहिए उनको हम हटाते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया मैंने, सिटी, पिन कोड, ठीक है, बाकी मैंने ये भी हटा दिया है। चाहते तो हम लोग पिन कोड से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ भी हटा ये कर दिया। तो मैं जहां तक है मैं चार फील्ड आपको लेके समझा देता हूँ, ओके। बाकी हम लोग फील्ड अपने हिसाब से जैसा लेना चाहे वैसे ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस भी हटा दिया, ठीक है। कभी भी ये डिलीट कर दिया, कभी मुझे ऐड करनी होगी कोई फील्ड तो मैं इस तरह से ऐड कर लूंगा। जैसे मैंने फील्ड ऐड की मोबाइल नंबर और ओके कर दीजिए, तो फील्ड ऐड हो जाएगी, डिलीट से डिलीट हो जाएगी, रीनेम से उसी फील्ड को हम लोग रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रीनेम वगैरह करना है, रीनेम करके, और जैसे हम लोग क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ फील्ड आपके अकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। अब बस हमारा काम है जिनको भी हमें सेंड करना है उनकी लिस्ट तैयार करना है। जैसे उन्होंने कहा फर्स्ट नेम, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए 5 लोगों का बता रहा हूँ, आप लोग 5 के बाद 50, 500 जितने लोगों को भेजना चाहें आप लोग भेज सकते हैं, इसी तरीके से आपका बनेगा। बस आपको एक फॉर्मेट तैयार करके रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिया, फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे ले लिया है जैसे कि अंकित, ठीक है। लास्ट नेम, लास्ट नेम मैंने यहाँ पे लिया है शर्मा, अंकित शर्मा, ओके। सिटी मैंने यहाँ पे भेजी है, जो सिटी है वो मैंने ली हुई है यहाँ पे झांसी सिटी, तो यहाँ पे मैंने दे दिया है झांसी। इसके बाद जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर मैंने इस तरह से मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, टैप प्रेस करेंगे। जैसे ही मैंने टैप प्रेस किया, टैप प्रेस करने के बाद आप लोग देखेंगे दूसरे, हम लोग दूसरे सेल में आ गए, दूसरी रो के सेल में। दूसरा मुझे भेजना है, मान के चलो मुझे अभी को भेजना है, उनका जो लास्ट नेम है मैंने लिख दिया है गुप्ता, और जो सिटी बिलोंग करते हैं मैंने कहा ये मुझे आगरा सेंड करना है, और जो मोबाइल नंबर है वो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर भी एंटर कर दिया, ठीक है। इसके बाद आते हैं, फिर से हम लोग टैप प्रेस करेंगे तो न्यू लाइन में आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट भेजना है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है अर्पिता, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लास्ट नेम, अर्पिता सक्सेना लास्ट नेम दे दिया। लास्ट नेम के बाद मैंने यहाँ पे रखा है झांसी, झांसी के बाद मैंने इनको भी मोबाइल नंबर वगैरह एंटर कर दिया, ओके। फिर से मैंने टैप प्रेस किया, टैप प्रेस करने का नेक्स्ट नेम ले लेंगे, तो नेक्स्ट नेम जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया रोहित, ठीक है, और यहाँ पर जो लिया है यहाँ पे ले लिया मैंने साहू, रोहित साहू, और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है कि इनको मुझे लखनऊ भेजना है, तो ये लखनऊ, और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर उनका भी मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, ठीक है। इसी तरह से लिस्ट हम लोगों को बनाते जाना है। लास्ट हमने एक नेम और ले लिया, रोहित हो गया, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और ले लिया, विराट ले लिया, ठीक है। इसका इनको हमने लगा दिया है शर्मा, विराट शर्मा, और ये हमने कहा है कि ये कानपुर,
तो ये कानपुर गए और यहाँ पे उनका नंबर एंटर कर दिया। ठीक है, आई होप आपको कल को क्लियर रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हमने लिस्ट तैयार कर लिया है। अगर जिसको यहाँ पे कोई इश्यू हो रहा हो, वेब वीडियो को बैक करके देख ले। इसके बाद मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा लिस्ट को सेव करने के लिए कि आप वो लिस्ट को सेव कर लीजिए। मैंने लिस्ट का नाम दे दिया रिकॉर्ड, ओके, और इसको कर दिया सेव। एक चीज और नोटिस करिएगा आप लोग, अभी जब तक मैंने लिस्ट नहीं बनाई है तब तक आप लोग देखेंगे ये सारे ऑप्शंस क्या है, हाइड है, मतलब सारे ऑप्शंस किस तरह से ऑफ है। जैसे मैं यहाँ पे सेव पर क्लिक करूंगा आप लोग देखेंगे सारे ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, आपने देखा ये ऑप्शन हमारा तभी काम करता है जब हम लोग क्या करते हैं कि लिस्ट तैयार कर लेते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शन आपको हमेशा बंद ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो जब हम लोगों ने लिस्ट तैयार कर ली, लिस्ट तैयार करने के बाद हम लोग देखेंगे इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं। ओके, इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट मर्ज फील्ड। ठीक है, तो इंसर्ट मर्ज फील्ड में जैसा हम लोग फॉर्मेट चाह रहा है लेटर का, उस हिसाब से हम लोग इसको मर्ज करेंगे। क्लिक करने पे आप देखेंगे जो मैंने लिस्ट बनाई है उसके ही वो जो मैंने वहां पे कॉलम बना रखे थे वो आपके सामने आ जाएंगे। जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया फर्स्ट नेम, जैसे ही फर्स्ट नेम पे क्लिक किया फर्स्ट नेम हमारा यहाँ पे आ गया। फिर मैं स्पेस दूंगा, स्पेस देने का फिर से मैं फील्ड को इंसर्ट करूंगा, मैंने कहा लास्ट नेम यहाँ पर आए। ठीक है, लास्ट नेम, आप लोग एक बात नोटिस करिएगा कि आप लोग का ये लेटर दूसरे पेज पे नहीं जाए, नहीं तो 5 की जगह ये 10 पेज आएंगे और जो नेक्स्ट पेज आएगा ब्लैंक भी आपका प्रिंट आउट में आ जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या लास्ट नेम के बाद फिर मैंने कहा कि जो पर्सन है उसका मोबाइल नंबर आ जाए, और मोबाइल नंबर के बाद हमने यहाँ पे बोला कि उसकी फिर सिटी आ जाए। वैसे हम लोग और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, पिन कोड वगैरह, तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे बढ़ाना, उसी तरह से करना है। मैंने यहाँ पे सिटी और ले लिया। सिटी लेने के बाद अब आप लोग देखेंगे कि हमारे लेटर में पूरा तो फॉर्मेट तैयार हो गया है, बस यहाँ पे क्या हो जाए फील्ड्स के नेम आ जाए और हमारा मैटर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग करना क्या है, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर इस तरह से लिख भी सकते हैं डियर सर या मैम। ठीक है, और नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ ग्रीटिंग लाइंस ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑप्शन होता है ग्रीटिंग लाइंस का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन लग जाएंगी। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे हैं सारी फील्ड्स यहाँ पे हम लोगों ने सेट कर ली है, बस यहाँ पे फिल होना ही बाकी है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि इससे हम लोग मल्टीपल लेटर्स प्रिंट करते हैं और हम लोगों ने यहाँ पे 5 लेटर बना लिए हैं, बस देखना बाकी है कि 5 लेटर प्रिंट आउट में कैसे आते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि अब इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे। इसके बाद आपने इतना सब कुछ करने के बाद अब हमें आना है फिनिश एंड मर्ज पे। जैसे हम लोग फिनिश एंड मर्ज पे आएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा एडिट इंडिविजुअल एलिमेंट। देखिए ये मेन्यू आपके सामने आएगी। अब यहाँ तो 5 ही रिकॉर्ड है तो मैं आपको ऑल पे क्लिक करके ही बताऊंगा, लेकिन अगर रिकॉर्ड हमारे पास ज्यादा होते, अगर मुझे सिर्फ एक ही प्रिंट करना होता, मतलब जो मैंने पहला लिया था अंकित शर्मा का, तो मैं करंट रिकॉर्ड पे क्लिक करके ओके कर देता तो वो हमारा प्रिंट हो जाता। ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितनी मैंने लिस्ट बनाई है यहाँ पे, ठीक है, वो पूरी लिस्ट ही हमारी प्रिंट आउट में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जैसे यहाँ दिया फ्रॉम, मान के चलिए मैंने यहाँ पे 50 लेटर बनाए, 50 लेटर्स बनाए, बट मुझे आज सिर्फ 1 to 25 की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 25। ठीक है, 1 to 25 हम जैसे लिखेंगे तो यहाँ आप लोग देखेंगे 1 से लेके 25 तक जो हमारे पहले के लेटर है वो हमारे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी मैंने लिस्ट बनाई होती है, अभी तो हमने लिस्ट 5 की बनाई है, अगर मुझे 3 तक प्रिंट करना होता तो मैं यहाँ पे लिख देता 1 to 3। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपका जैसे ही मैं ओके करूंगा यहाँ पे नेम आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ऑल का एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने 5 बनाए हैं, तो अभी आप लोग देख लीजिए अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट जैसे ही मैं ओके करने वाला हूँ आप लोग देखेंगे कि पूरा लेटर यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, लेटर तो ऑलरेडी है, बस यहाँ पे डिटेल्स हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो फिल होके आ जाएगी। ठीक है, देख लीजिए, ओके पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये किया ओके। अब आप देखिए जैसे ओके पे क्लिक किया अंकित शर्मा मोबाइल नंबर झांसी। ठीक है, डियर अंकित शर्मा, ये किससे आया, ग्रेटिंग लाइन से। ओके, नेक्स्ट नीचे आए, पहला खत्म। आप लोग नीचे देखेंगे एक लेटर और तैयार होगा, अभी गुप्ता सेम। ठीक है, फिर नीचे आएंगे एक लेटर और आपको तैयार मिलेगा, एक और नीचे आएंगे नेक्स्ट लेटर और नेक्स्ट आएंगे नेक्स्ट लेटर। ठीक है, तो 5 लिस्ट बनाई थी हमने 5 लोगों की, तो 5 लेटर यहाँ पे तैयार हो गए हैं। अब आप लोग चाहें तो अब हमें एक बार में ही प्रिंट आउट देना है, किसी भी लेटर में अलग अलग से हमें नाम वगैरह चेंज नहीं करना है, सारा काम हमारा ऑटोमेटिक हो गया। अंकित शर्मा, अर्पिता सक्सेना, अभी गुप्ता, रोहित साहू, विराट शर्मा, बस प्रिंट आउट पे जाके जस्ट अपन को प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद आप लोग देखेंगे कि हमारा ये प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा मेल मर्ज, और आप लोगों को बहुत क्लियर मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बताया हुआ है। ठीक है, वैसे आप लोग सोच रहे होंगे इसका नियम है मेल मर्ज, ठीक है, तो मेल मतलब ईमेल से बात रही, तो देखिए ईमेल पे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है उसके लिए हमें आउटलुक की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो किसी क्लास में मैं आपको आउटलुक के साथ भी बता दूंगा, हालांकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए डोंट वरी, टेंशन मत लीजिएगा। बाकी मेल मर्ज हमारा ये कॉन्सेप्ट रहेगा, ऐसे ही
वर्ड में यूज होता है और ऐसे ही हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर में यूज होता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो मैंने वर्ड पे इसलिए बताया, वर्ड पे आप लोग आसानी से कर पाएंगे और वर्ड में दोनों काम होगा, आपके लिब्रे ऑफिस के भी होगा और एमएस वर्ड के भी होगा। ठीक है, जो लोग लिब्रे ऑफिस में करना चाहें तो उनको टूल्स पे आना है। टूल्स पे आने के बाद मेल मर्ज विजार्ड पे आना है। मेल मर्ज विजार्ड पे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एक विंडो आएगी, सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट बना लूंगा तो यूज, इसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे, लेटर ले लीजिएगा, फिर नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट पे आने का सिलेक्ट पे आना है आपको, और जैसे मैंने आप फील्ड ऐड की थी उसी तरह से आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। तो देखिए सब कुछ वही आ गया। ठीक है, वही फील्ड आ गई है, कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो जो आपको चाहिए होगा ले सकते हो, जो डिलीट करना होगा वो डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से सेम रहेगा, वैसे आप ओके करोगे तो वही फील्ड आपके सामने आ जाएंगी और उसके बाद प्रेस करके ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर आप क्लियर हो जाए, फिर नेक्स्ट करते जाइएगा, नेक्स्ट, एट लास्ट जब आप फिनिश कर देंगे तो आप फिनिश में देखेंगे कि आपका जो बनेगा वो आपका तैयार होके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ था नहीं इसलिए यहाँ पे फिर भी उन्होंने इस तरह से सेट करके बता दिया। तो इस तरह से हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में भी इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो आज की क्लास में हमने देख लिया मेल मर्ज ऑप्शन का यूज, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और आप लोग इसको यूज करिएगा। जो लोगों को भी कोई डाउट हो, कुछ टॉपिक पे डाउट वगैरह हो रहा हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। नहीं तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है वो हमारी लास्ट क्लास रहेगी लिब्रे ऑफिस राइटर की। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी नोट्स वगैरह आपकी वेबसाइट पे अपलोड हो चुके हैं, वेबसाइट आप लोग जानते हैं careersknowledge.in पे वेबसाइट मिल जाए, पे आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते चलिए और हो सकता है एक दो दिन के अंदर ही हमारा कैलसी स्टार्ट हो जाएगा और उसको भी हम लोग जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग के लिए क्वेश्चंस बहुत सारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप लोग वहां पर भी जाके देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।